हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच महागठबंधन ने आज ही घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें, बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इस बार फिर से लालू जंगल राज लाना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल इस वीडियो में, आप सुनिए। कि आज एक और दल का घोषणा पत्र आया है और वह आज के समय से बिल्कुल ठीक खुश नहीं है। वह जानबूझकर चाहते हैं कि वह प्रण कर रहे हैं कि हम फिर पुनः बदलाव ला करके रहेंगे। जो बदलाव खास करके मैं तो चंपारण का सांसद होकर भुक्त भोगी रहा हूँ कि 2005 से पहले 250 डकैतों के गैंग हुआ करते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी शहर से बाहर निकलने की। क्या वही बदलाव वह फिर लाना चाहते हैं? क्या फिर वही इतिहास दोहराना चाहते हैं? उस समय योगेंद्र सरदार जी ने जो किया था वह पूरी दुनिया, पूरा बिहार जानता है। आज भी उसी प्रकृति के लोगों को इन्होंने टिकट देकर इस तरह के लोगों का ही बदलाव वह लाना चाहते हैं कि पुनः वही जो वो उस समय जो सरदार के समय था उसको पुनः करने के लिए उन्होंने टिकट बांटे हैं। क्या आज वह वही बदलाव लाना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे सबसे प्रमुख यादव नेता बिहार के, उसका दानापुर में जो हत्या हुई थी और आज उनकी पत्नी विधायक है, हत्यारों को क्या वापस लाने का बदलाव वह चाहते हैं? उनकी तस्वीर भी देखिए तो बिहार चारों तरफ से रक्त रंजित दिख रहा, चारों तरफ उन्होंने जानबूझकर लाल निशान चारों तरफ बनाया हुआ है कि यह रक्त रंजित बिहार के बदलाव को पुनः लाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी हैं भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और आज उसी के कैंपेन की लॉन्चिंग है। आप सबको बहुत। तो आपने देखा संजय जायसवाल ने क्या कहा, मोदी है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, और उन्होंने यह भी कहा विकास भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।